एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनसे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ सर, बिकॉज उन्होंने जो मेरे को पता ना दिया, आज तक इनफैक्ट उसके झेल रहा हूँ। स्टेट मशीनरी का जो बिहेवियर है, अगर सर वो ऐसा सस्पिशियस है एंड सर अगर कोर्ट ऐसा बोलेगी वी विल नॉट इंटरफेयर, तो सिविलियन तो सर कहीं नहीं जाएंगे, पुलिस का टॉर्चर तो हर कोई सहता सर। 48 दिन कस्टडी में रहा सर, क्लास वन ऑफिसर्स इन्वॉल्व है स्टेट के, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? एक्चुअली मेरी और मेरी मदर के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी और वो भी एडवोकेट्स के द्वारा, और प्रकरण मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ था सर बाद में। फलाना फलाना एडवोकेट ने मुझे ये स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखे हैं कि इसने मुझे बोला था मैं तुझे वकीलों से बिटवाऊंगा अगर तूने समझौता नहीं किया। सर मैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए आया हूं, उसमें सर आप जो उचित समझे वो भी दे सकते हैं सर। यस सर, दिस आई हैज बीन फाइल्ड 1071 स्ट्राइकिंग ऑफ द पार्टी। हाईकोर्ट को पार्टी बनाकर सर उसको स्ट्राइक ऑफ करना, गलती से बन गई थी सर पार्टी। सर दिस इज अ पिटीशन सीकिंग कंपनसेशन फॉर इलीगल जुडिशियल कस्टडी। अवेलेबल ऑफेंस में मुझे पहले देखें तो अपन क्या है, हाईकोर्ट को क्यों पार्टी बना दिया था सर? सर आई वाज अंडर इंप्रेशन कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने मुझे कस्टडी में डाला था इलीगल कस्टडी में, सो फॉर देम हाई कोर्ट इज द सुपरिंटेंडेंट्स पावर, तो उनको पार्टी बना दिया था। बट नाउ कम टू नो दैट दे आल्सो फॉल अंडर आर्टिकल 12 इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सो हाई कोर्ट वो स्ट्राइक ऑफ करेंगे। हाई कोर्ट में एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए आपको सर? ये कहा प्रोविजन है कि आप इलीगल कस्टडी में रख दिए तो हाईकोर्ट में नौकरी देना है? सर मैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए आया हूँ, उसमें सर आप जो उचित समझे वो भी दे सकते हैं सर। नीचे कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि नहीं? सर नीचे मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे अवेलेबल ऑफेंस में कस्टडी में दिया था 7 दिन। सो अवेलेबल ऑफेंस में सर बेल इज नॉट वांटेड, इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बट यू हैव नॉट चैलेंज्ड दैट ऑर्डर सर? यस आई हैव चैलेंज्ड सर। बताइए कहाँ चैलेंज किया? And then you have not made the police thana as a party. किस थाने में आपका केस रजिस्टर हुआ था? Crime number क्या है? Sir, that order has been taken as a reference, sir. I'm not challenged that order because I was already out of custody. तो sir, उस order को challenge करके कोई sense नहीं है, तो मैंने उसको as a reference लिया। तो गलत हो। पहले देखिए, जब compensation जब दिया जाता है, एक तो compensation यहाँ decide नहीं हो सकता। पहली बार जब तक वो ऑर्डर सेट असाइड नहीं होगा तो आपको हाउ टू होल्ड दैट ऑर्डर वाज रॉन्गली पास अगेंस्ट यू? सर हाईकोर्ट का डिपार्टमेंटल ऑर्डर अनेक्स किया जिसमें वो क्लियर लिखा है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कि इट वाज अ मिसकंडक्ट, और वहां पे उनको वार्निंग भी दी है मजिस्ट्रेट साहब को, तो उस ऑर्डर का रेफरेंस किया। एंगेज ए काउंसिल सर आपको प्रॉपर गाइड करे सर। मैं अब यहाँ कितने बार अमेंडमेंट करेंगे आप, ये इसको हाईकोर्ट को डिलीट करेंगे फिर पार्टी थाने को पार्टी बनाना पड़ेगा स्टेट ऑफ एमपी थ्रू यस एंड सो। यस सर। उसके लिए दूसरी एप्लीकेशन देंगे, फिर यहाँ प्रेयर को ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए तीसरी एप्लीकेशन, कितने बार करेंगे ऐसा? सर ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं करने सर, जरूरत नहीं है आपके हिसाब से सर, बिकॉज दैट हैज बीन सेट असाइड, आई एम एट लिबर्टी। हु हैज सेट असाइड दैट ऑर्डर सर? दैट हैज बीन सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट फ्रेश पिटीशन फाइल करने के लिए दे दें और मैं एंगेज कर रही हूं। 10 बार पूछ रहे हैं क्या करना चाहते हैं जी सर? अमेंडमेंट नहीं करना चाहते एक के बाद एक? नहीं सर मैं इस मिल में नहीं सर, आप लिबर्टी दे दें तो मैं फ्रेश फाइल। लिबर्टी का ही लिबर्टी, ये एकदम मिसकंसीव्ड पिटीशन है ये। वी शुड इंपोज कॉस्ट ऑन सच काइंड ऑफ केसेस, मिसिंग टाइम 4 बार से हम लोग इसमें टाइम दे रहे हैं आपको। सर नहीं सर, मैं इसमें मैंने काउंसिल एंगेज किया था पिछली बार सर। कहाँ है फिर काउंसिल आपके? सर उनको हटाया गया सर। इसने हटा दिया सर? मैंने इस ऑर्डर से हटा, यहाँ हाईकोर्ट का ऑर्डर कहाँ है सर? हाईकोर्ट ने नहीं, मैंने उनको हटाया अपने केस से। एंड सर आई वुड रिक्वेस्ट सर, एक बार इसमें ये है कि उदय शाह का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, अरे फिर बोला आपसे मेरिट पे, हम अभी नहीं जा रहा, अभी मेरिट पे सुनने लायक बना नहीं है केस, इट विल टेक टाइम, नोटिस करना पड़ता है अगर मेंटेनेबल है तो, समझ रहे आप? इसलिए बेटर एंगेज ए काउंसिल। यू विल ड्रॉ दिस
जजमेंट लेके आ गए साहब, हमको भी ऐसा ऑर्डर चाहिए। फिर अपना केस फाइल होता है कि नहीं उस कैटेगरी में, वो देखना पड़ता है पहले। दैट यू आर नॉट एग्जामिन हाईकोर्ट का ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर एकदम, उसमें टोटल सब बातें लिखी हुई। किसमें? हाईकोर्ट के ऑर्डर, डिपार्टमेंटल ऑर्डर में टोटली डिटेल्ड ऑर्डर है। वो अरे भाई आपका केस क्या है कहाँ से हम जानेंगे, तो दूसरे केस का दिखा रहा है आपको। ये जो नजीर होती है ना, ये दिस इज फॉर योर असिस्टेंस। सर हमारा भी ऐसा ही केस है सिमिलर, तो आपका केस हम लोग कहाँ से पता करेंगे कि उससे मिलता जुलता है? जब तक प्लीडिंग्स नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक सर, मैं फ्रेश फाइल कर रहा हूँ। गुड रहा विद लिबर्टी टू फाइल फ्रेश, इफ सो एडवाइज। चलिए।